हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइलेंट पढ़ाई। इस वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल नंबर 17 जहां एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, वहीं पे आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। हम इस वीडियो में इन दोनों आर्टिकल्स को काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इन दोनों आर्टिकल्स के क्या क्या प्रोविजन्स हैं, कौन कौन से एक्ट पास हुए हैं इन दोनों आर्टिकल्स को इन्फोर्स करने के लिए, और प्लस सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या केसेस गए, उनका क्या क्या जजमेंट आया। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। जो आर्टिकल नंबर 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, अनटचेबिलिटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई इस आर्टिकल 17 पर। तो अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है किसी एक पर्सन को टच करने से इनकार कर देना, चूंकि वो एक लोअर कास्ट में जन्म लिया है। तो ये जो अनटचेबिलिटी का पूरा प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि खुद एक महर जाति में पैदा हुए थे, जो कि एक अछूत जाति थी, जो कि एक अनटचेबल कास्ट थी, से बिलोंग करते थे, उन्हें बचपन से ही अनटचेबिलिटी का काफ़ी सामना करना पड़ा था। ओके, तो क्योंकि बी आर अम्बेडकर को भी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का। तो देखते हैं कि आर्टिकल 17 है क्या। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, और इसकी प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में करने पर फॉरबिड करता है, इस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। मतलब अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, एक अपराध है, और इसकी प्रैक्टिस भी एक अपराध है। ठीक है, ठीक है, ये इसे पूरी तरह से एबोलिश करता है। तो 1955 में इसे, इस अनटचेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए कि ये गलत है, एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पास हुआ था 1955 में। ओके, और इसे 1976 में अमेंड करके इसे रीनेम कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया, और जो पेनल प्रोविजंस है, जो दंड है, उसे और ज़्यादा कठोर कर दिया गया। ये एक्ट सिविल राइट को डिफाइन करता है कि सिविल राइट क्या है। तो सिविल राइट वो राइट जो कि एक इंसान को दिए जाते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी के एबोलिश करने के रीजन के साथ। मतलब वैसे पर्सन जो अनटचेबिलिटी का शिकार होते हैं, उनके पास जो राइट्स होता है वही है सिविल राइट्स, ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो अनटचेबिलिटी का टर्म है, ठीक है, इसे ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, और ना ही किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। ओके, सिर्फ अनटचेबिलिटी एक वर्ड लिखा गया, लेकिन कहीं भी इसका डिफिनेशन नहीं मिलेगा। फिर भी मैसूर हाईकोर्ट ने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला था, इसके बारे में इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी नहीं है लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस में। मतलब अनटचेबिलिटी का अगर हम लिटरल जनरल सेंस देखें तो क्या है कि हम किसी को छूने से इनकार करते हैं। मैं आपको छूने से इनकार कर दूं, आप मुझे छूने से इनकार कर दूं, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है। एक्चुअल में अनटचेबिलिटी वो नहीं है, अनटचेबिलिटी है वो प्रैक्टिस जो कि हिस्टोरिकली इंडिया में डेवलप हुई थी। तो मतलब क्या है इसकी एक प्रैक्टिस, कि जो लोअर कास्ट लोग होते हैं जिन्हें अछूत समझा जाता है, क्योंकि वो जो है शव को जलाने का काम करते हैं, जूते सिलने का काम करते हैं, चमड़ा से काम करते हैं, तो इन सारे कारण से जो छोटे जात के लोग होते हैं, छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें छूने से इनकार कर दिया जाता है। उस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ही ये प्रोहिबिट करता है, इस पर रोक लगाता है। तो एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सॉरी मैसूर हाई कोर्ट का कहना था कि ये जो सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज की जाती है कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए, क्यों? क्योंकि उनका बर्थ होता है किसी सर्टेन कास्ट में, मतलब कुछ कास्ट में जन्म लेने के कारण उन पर जो डिसेबिलिटी इम्पोज की जाती है, इसी चीज को अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 17 एबोलिश करने का कोशिश कर रहा है। अब है कि आर्टिकल 17 के अंदर सोशल बॉयकॉट नहीं है, कवर करता है ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, मतलब कुछ लोगों का अगर सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है, उन पर उनको बहिष्कृत किया जा रहा है कोई काम करने से, या फिर उन पर रोक लगाई जा रही है, या फिर किसी रिलीजियस सर्विस से किसी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो ये अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कास्ट के कारण इवॉल्व नहीं हुआ है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जिसे 1976 में अमेंड करके बनाया गया था, ठीक है, इसमें जो
ऑफेंस है जो अपराध है जो कि अनटचेबिलिटी के ग्राउंड में कमिट किए जाते हैं, ठीक है, उसे पनिशेबल माना है और जो पनिशमेंट दी गई है वो है 6 महीने की जेल या फिर ₹500 तक की फाइन या फिर दोनों, ठीक है। अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी के ऑफेंस में पकड़ा जाता है और सही साबित होता है तो वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वो इसका इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये काफी अच्छा प्रोविजन दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में। अब देखते हैं कि ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इसने किस किस एक्ट को ऑफेंस, किस किस एक्ट को अपराध माना है। तो अगर किसी पर्सन को प्रिवेंट किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है किसी पब्लिक वर्शिप के प्लेस को, किसी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है या फिर वहां पे उनको पूजा करने से रोका जा रहा है, तो ये एक ऑफेंस होगा, अपराध होगा। अगर अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसफिकल या फिर अदर ग्राउंड पे, तो जैसे कि कहा जाता है कि कोई अनटचेबिलिटी को सही करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ट्रेडिशन में था या फिर हमारा रिलीजियस ये कहता है, ठीक है, या फिर किसी और अदर ग्राउंड में, तो ये भी एक अपराध होगा। अगर किसी पर्सन को डिनाई किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है कि किसी शॉप में जाने से या होटल में जाने से या फिर ऐसे प्लेसेस जो कि पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए हैं, तो वो भी एक अपराध होगा। अगर किसी पर्सन को इंसल्ट किया जा रहा है जो कि एक शेड्यूल कास्ट SC से बिलोंग करता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के ग्राउंड में, तो ये भी एक अपराध होगा। अगर किसी पर्सन को हॉस्पिटल्स में एडमिट करने से रोका जा रहा है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर हॉस्टल जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए ही एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो ये भी एक ऑफेंस होगा, अपराध होगा। अगर अनटचेबिलिटी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रीच किया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये भी एक अपराध होगा। अगर किसी पर्सन को कोई सामान जो है वो सेल करने से या फिर कोई सर्विस देने से इनकार कर दिया जा रहा है, तो ये भी अनटचेबिलिटी के अंदर ही आता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18, जो कि कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स पर पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई थी। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश थे, कॉलोनियल स्टेट, वो नोबिलिटी को, वो उच्च घराने वाले लोगों को जो टाइटल्स प्रोवाइड करते थे, जैसे राजा धीराज, ये बहादुर, राज बहादुर, राय बहादुर, इस तरह के टाइटल्स जो होते थे वो हेरिडिटरी होते थे, मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिक पास हो जाते थे। ये जो टाइटल दिए जाते थे वो किसी मेरिट पे बेस्ड नहीं थे। ओके, तो इस तरह के जितने भी टाइटल्स थे उसे आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा एबोलिश कर दिया गया, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो जो स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 18 का, कि ये एक स्टेट को प्रोहिबिट करता है, उसके रोक लगाता है किसी भी बॉडी, किसी भी सिटीजन या फिर किसी भी फॉरेनर को किसी भी तरह का टाइटल्स जो है वो प्रोवाइड करने या फिर उस तरह के टाइटल्स को देने के लिए, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़कर। मतलब एक स्टेट चाहे तो वो किसी भी सिटीजन, फॉरेनर या बॉडी को मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए जो है वो टाइटल प्रोवाइड कर सकती है, अवार्ड दे सकती है, ठीक है, उसके अलावा और किसी भी तरह का वो टाइटल नहीं दे सकती है। तो इंडिया में अभी मिलिट्री डिस्टिंक्शंस के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए दिया जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह के टाइटल दिए जाते हैं। सेकंड है कि ये इंडिया के सिटीजन को प्रोहिबिट करता है, उस पर रोक लगाता है कि वो फॉरेन स्टेट से किसी भी टाइटल, किसी भी तरह का टाइटल वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब कि इंडिया का सिटीजन फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में भी उसे किसी भी तरह का टाइटल वो नहीं दिया जाता है। और अगर कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया में इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट जो है वो होल्ड किए हुए है, तो वो भी किसी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के सहमति के। मतलब कि अगर किसी फॉरेनर को, अगर किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है तो उसे पहले प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए होती है। नेक्स्ट है कि कोई भी सिटीजन और कोई भी फॉरेनर अगर स्टेट के अंदर कोई ऑफिस जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड किए हुए है, ठीक है, तो वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस तभी एक्सेप्ट करेगा जब प्रेसिडेंट का सहमति होगा। मतलब बिना प्रेसिडेंट के सहमति के कोई भी प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट, वेतन या फिर किसी भी तरह का ऑफिस वो नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर ये टाइटल्स का बात नहीं है, यहाँ पे बात है प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट और ऑफिस का, जो कि सिटीजन और फॉरेनर को पर रोक लगाते हैं अगर वो स्टेट के अंदर किसी भी तरह का ऑफिस जो है वो होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट या ऑफिस लेना है तो प्रेजेंट, तो प्रेसिडेंट की सहमति इसमें पहले चाहिए होती है।
अब क्या है कि 1996 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण इन चारों अवार्ड्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और ये कहा कि ये जो अवार्ड्स हैं जितने भी हमने मैंने बताया अभी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये अवार्ड टाइटल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 18 के मीनिंग के अंदर जो टाइटल्स आते हैं वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 18 उन्हीं टाइटल्स को सिर्फ रोक लगाता है जो कि हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं नोबिलिटी के, ठीक है, मतलब उच्च घराने के जो हेरिडिटरी टाइटल होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते रहते हैं, उन्हीं टाइटल्स पर ये रोक लगाता है। और ये जो है और ये सारे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह, ये सब जो है वो आर्टिकल 18 के अंदर कवर नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा कि ये जो अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेलिटी जो है वो ये नहीं कहता है कि मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये जितने अवार्ड है भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सारे मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं, तो ये जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वेलिटी को ठेस नहीं पहुँचाता, ठीक है, उसे वायलेट नहीं करता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इन अवार्ड्स को किसी भी तरह का सफिक्स और प्रेफिक्स के रूप में नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, अवार्डी के नाम के आगे, मतलब कि नाम से पहले इसे नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है, नाम के आगे या नाम के पीछे से नहीं लगाया जाएगा, अगर ऐसा किया जाता है तो वो अपने अवार्ड्स को खो देंगे। ओके, अब क्या है कि 1954 में इन नेशनल अवार्ड्स को, ठीक है, बनाया गया था, मतलब 1954 में इन भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह को इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जब इंदिरा गांधी हार गई थी, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई ने ये नेशनल अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था, उस पर रोक लगा दी गई थी और नेशनल अवार्ड देने का जो काम है वो रुक गया था। फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उसने फिर से नेशनल अवार्ड को शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन देना हो, कुछ भी, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।